तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स किस तरीके से भरना है। अगर आप एक साल के अंदर अंदर निकाल लेते हो तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, एक साल के बाद निकालते हो तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, जो भी टैक्स बनता है आपको खुद भरना पड़ेगा या आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा या जब आप खरीदोगे ऑटोमेटिक कट जाएगा, ऐसे बहुत सारे टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं आपके मन में। और आप जब म्यूचुअल फंड में जाते हो तो एक्सपेंस रेशियो के नीचे टैक्स का बहुत सारी चीजें भी लिखी रहती है, तो इसका क्या मतलब होता है आज के इस वीडियो में सारी चीज जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अभी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं और अभी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। जब भी अपन कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं, मैंने जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ले लिया हूं, तो अपन बहुत सारी चीज देखते हैं। और जहां पर जब अपन एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो के साथ टैक्स भी लिखा रहता है कि 15% टैक्स और 10% टैक्स, 1,00,000 के ऊपर क्या क्या लिखा है बहुत सारे लोग को समझ नहीं आता है। इसी के बारे में आज मैं पूरी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा और चलिए फिर समझते हैं। म्यूचुअल फंड में टैक्स से रिलेटेड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि अगर मैंने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, मैंने जितने भी रुपए इन्वेस्ट किया है, तो उसमें जो पैसा बढ़ता है, मान के चलिए कि वो 2,00,000 रुपए हो गया है, तो क्या मुझे 2,00,000 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा या मैंने जितने पैसे कमाए उतने पे टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलिए कि आपने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया है और 1,00,000 अब बढ़कर हो चुके हैं 2,00,000 रुपए, तो आपको सिर्फ 1,00,000 रुपए पे ही टैक्स देना है। म्यूचुअल फंड कभी भी आपके प्रॉफिट पे टैक्स लेता है। आपने 1,00,000 रुपए जमा किया था, अब वो 2,00,000 रुपए हो गया, तो जो 1,00,000 आपने कमाया है उस पे बस आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो आपने डाला था आपको उसमें बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब अपन म्यूचुअल फंड के बारे में समझ लेते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, पहला इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड होता है और दूसरा डेब्ट फंड होता है। अब ये इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड से मतलब है कि जो पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में लगता है, बड़ी बड़ी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। और दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड से मतलब होता है जहां पर अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड और ट्रेजरी बिल इत्यादि इसमें लगता है, उसको बोलते हैं डेब्ट फंड। अब दोनों में अलग अलग तरीके से टैक्स लगता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इक्विटी फंड की। तो देखिए इक्विटी फंड में दो तरीके से टैक्स लगता है, पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज से मतलब है कि अगर आपने पैसा कमाया म्यूचुअल फंड से और 12 महीने के अंदर अंदर निकाल लिया तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आपने म्यूचुअल फंड से पैसा कमाया और उसको 12 महीने के बाद निकाला तो आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज। अब अपन बात कर लेते हैं डेब्ट फंड में। अगर डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर भी दो तरीके के टैक्स लगते हैं, पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज और दूसरा लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज। ये भी इसी की तरह होता है, बस इसमें थोड़ी लिमिट बढ़ जाती है, समय सीमा बढ़ जाती है। तो इसमें अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 36 महीनों के अगर आप पहले निकाल लेते हो तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज, यहाँ पर इतना भी लगेगा। और अगर आप 36 महीने के बाद बात करते हो, बाद निकालते हो उसके प्रॉफिट को, तो आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज। अब अपन एक एक करके ये सारी चीज एग्जाम्पल के सही समझ लेते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज। अपन ने इक्विटी फंड लिया और इक्विटी फंड का अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज को समझते हैं। तो देखिए अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर पैसा निकाल लेते हैं तो इसमें लगता है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज, और ये आपको 15% लगेगा और प्लस सेस अलग से लगेगा। ये सेस 3-4% हो सकता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपने SIP करी है 10,000 रुपए महीना से और आपने आज के दिन जमा किया है, मैं यानी कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 4 मार्च 2023 को जमा किया है और आप निकाल लेते हो 4 दिसंबर 2023 को, मान के चलिए कि आपका प्रॉफिट हुआ है 1,16,000 रुपए का, टोटल मिलाकर 1,16,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो आपने 10,000 से जमा किया तो आपका टोटल जमा हुआ 1,00,000 रुपए और आपको प्रॉफिट हुआ 16,000 रुपए, तो अब आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब इस 16,000 पर टैक्स होता है 15% के हिसाब से 2,400 रुपए। मतलब कि आपने अगर SIP करी 10,000 रुपए महीने से और उसमें प्रॉफिट कमाया 16,000 रुपए, तो आपको 16,000 में से शॉर्ट टर्म में अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर निकाल लेते हो तो आपको टैक्स लगेगा 2,400 रुपए। लेकिन अब आप बात करते हैं कि अगर आपने लमसम इन्वेस्ट किया है, तो अगर आपने 1,00,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट किया है आज ही के दिन 4 मार्च 2023 को, और आज से 10 महीने बाद आपने निकाल लिया है 4 दिसंबर 2023 को पैसा निकाल लिया है, और आप जब निकाल रहे हो वो बढ़कर हो चुका है 1,20,000 रुपए, तो आपने कितना जमा किया था, 1,00,000 आपने जमा किया था, अब आपको प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपए का, तो आपको इस 20,000 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा।
और ये टैक्स आपका होगा 15%, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपने निकाल दिया तो यहाँ पर लगेगा 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज, और ये होता है 3,000 रुपए। तो आपको 3,000 रुपए देना पड़ेगा अगर आप 1,00,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रॉफिट कमाते हो और उसको 12 महीने के अंदर अंदर निकाल लेते हो। तो दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा। सबसे बड़ा सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड से जब अपन पैसे निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा टैक्स कट जाएगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा, आपको खुद से अपना टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आप कोई इंडिविजुअल हो और कोई सैलरीड एम्प्लॉई हो और अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप वहां से प्रॉफिट कमाते हो तो आपको खुद से टैक्स भरना पड़ेगा। जब ITR 2 में आप फाइल करोगे तो जब भी आप फाइल करोगे वहां पर एक ऑप्शन आता है कैपिटल गेन टैक्स, आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि आपने कितनी तारीख को जमा किया था पैसा और कितनी तारीख को पैसा निकाला, कितना पैसा निकाला और इसमें चार्जेस में कितना पैसा भरा कटा, और बहुत सारी चीज आपको सारी चीज वहां पर भर देना है जो जो पूछेगा। और फिर ये सारी चीजें करके वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपका कितना टैक्स बनता है और आपको वहां पर जितना भी टैक्स आ रहा है उन सभी को पे करना है। और एक बात और, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पे करना है, वहां पर आपको कोई बताया नहीं जाएगा और आपको खुद से अपनी जिम्मेदारी को करना है। और अब बात आती है कि अगर आप कोई बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो और वहां से अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तो आपको भी टैक्स देना पड़ेगा और आपका टैक्स ITR 3 में फाइल होगा। और जब यह ITR 3 में आप फाइल करोगे वहां पर एक ऑप्शन आएगा कैपिटल गेन टैक्स का, और जो जो मैंने बताया वही वहां पर करना है, जैसे कि आपने कितने तारीख को खरीदा था, कितने रुपए पे बेचा, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें वहां पे पूछेगा, कितना ट्रांसफर चार्जेस लगा और बहुत सारी चीजें। जब ये सारी चीजें आप भर दोगे तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर बता देगा कि आपका कितने रुपए बनता है और आपको वहां से टैक्स पे कर देना है। और दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ आ ही गई होगी। अभी हमने समझा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज, अब हम समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज। देखिए अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका लॉन्ग टर्म मतलब होता है 12 महीने के बाद। अगर आप 12 महीने के बाद इसमें से पैसा निकालते हो म्यूचुअल फंड से तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें खास बात है कि अगर आपका प्रॉफिट 1,00,000 के अंदर अंदर होता है तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आपका पैसा 1,00,000 से ऊपर चला जाता है प्रॉफिट का तो उस पर आपको 10% टैक्स प्लस सेस देना है और आपको ये देना ही पड़ेगा और इसमें कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान के चलिए कि आपने SBI ब्लू चिप फंड में 15,00,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट कर दिया है और लमसम इन्वेस्ट किया है 4 मार्च 2023 को, और आज से 15 महीने बाद यानी कि 15 मई 2023 को आपने पैसा निकाला और उस टाइम पर इसकी वैल्यू हो चुकी है 18,00,000 रुपए। मतलब कि आपने 15,00,000 रुपए जमा किया था, मतलब कि आपको 3,00,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है। अब आपको इस पर टैक्स देना है। अब इस पर टैक्स कैसे लगेगा वो समझिए। देखिए आप, मैंने बोला कि आपको 1,00,000 पर कोई टैक्स नहीं देना है, तो देखिए 2,00,000 में से अपन 1,00,000 पहले घटा लेते कि 1,00,000 पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आपका 1,00,000 अलग से निकल गया। अब बचा 2,00,000 रुपए। अब 2,00,000 रुपए पर मैंने बोला था कि 10% टैक्स लगेगा प्लस सेस जितना भी हो उस टाइम पर। मैं आपको एक मोटा मोटा समझा देता हूँ। देखिए 2,00,000 का 10% होता है 20,000 रुपए, तो आपको देना पड़ेगा 20,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो। अब हम जान लेते हैं कि अगर SIP में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज किस तरीके से लगेगा, तो अपन इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान के चलिए कि अपन ने SBI ब्लू चिप फंड में SIP शुरू करी 10,000 रुपए महीने से, और ये अपन ने 4 मार्च 2023 से शुरू करी मतलब आज के दिन में, और आज से ठीक 15 महीने बाद अपन ने इस पैसे को निकाल लिया। तो देखिए आपने इस तारीख से SIP शुरू करी और इस तारीख को डाल दिया पूरा इन्वेस्टमेंट। और एक बात और ध्यान दीजिए कि देखिए मार्च अप्रैल मई आपने 3 महीने किया, तो इन 3 महीने की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है इनको बस 12 महीने पूरे हुए हैं। और एक यहाँ पर लॉ आता है IT Act 1961, ये क्या कहता है, ये कहता है कि हर SIP इन्वेस्टमेंट एक नई इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। जब आप नई नई इन्वेस्टमेंट करोगे तो देखिए इन 3 महीने को जिसमें किया इसके 12 महीने आपके पूरे हो गए, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज। लेकिन आपके ये जो 10 बचती है 12, इसको अभी पूरे पूरे 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज। तो आप इसे एक एग्जांपल के जरिए समझिए। मान के चलिए कि आप 10 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब 10 सालों में से आप SIP इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जो शुरू के 9 साल है
9 साल को तो पूरे 12 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन आपके जो पिछले एक साल की SIP हुई है उसको अभी 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं। जैसे कि आपने जो 11 किसी को 11 महीने पूरे हुए, किसी को 10 महीने पूरे हुए, किसी को 9 महीने, ऐसे करके 1 महीने तक पूरे हुए हैं। तो मतलब जो 9 साल तक आपने पैसा जमा किया है उसका जो रिटर्न मिला है उस पर आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज। और अगर आप जिनने जो एक साल के अंदर अंदर निकाला है जिसको 12 महीने पूरे नहीं हुए हैं उसको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको डेब्ट फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज कितना देना पड़ेगा, कितने परसेंट देना पड़ेगा। चलिए जानते हैं। देखिए इसमें भी दो प्रकार से टैक्स लगता है, पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्ज 36 महीनों के अंदर अंदर अगर आप पैसे निकाल लेते हो तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप 36 महीनों के बाद पैसा निकालते हो तो आपको इसमें LTTS देना पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज। और देखिए अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको जो भी टैक्स देना है आपकी सैलरी के साथ प्लस होकर आपको ITR में फाइल करना पड़ेगा, और ये ITR 1, 2, 3 में आप फाइल कर सकते हो। और जब ITR आप फाइल करोगे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है इनकम अदर सोर्स, वहां पर जाके आपको इनकी सारी जानकारी देनी है और वहां पर आपको खुद जाकर एक बार अच्छे से फाइल करके सारे पे कर देना है। अब बात आती है कि अगर आप 36 महीनों के बाद पैसा निकालते हो तो आपको कैसे कैसे टैक्स देना पड़ेगा। फ्लैट 20% टैक्स, मतलब कि जितना भी पैसा है उसका 20% टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट से मतलब है कि आपको महंगाई दर के हिसाब से वो करेगा, मतलब कि जितनी स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ती है उसका थोड़ा सा घटाना पड़ेगा और फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपको इन पूरी में से सारी वीडियो पसंद आई है या कुछ भी आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी एक न्यू वीडियो में बना दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।